But, uh, last time we left here up to the point when uh, Minta and her uh, and her father went to the beach site okay and uh, when they asked her mother, she said that she uh, she preferred to be at home uh, with having an apple and watching a TV program while curling up on a chair okay we had left here so let's start. अब राइटर हमें क्या बताती है मिंटा रैन मिंटा सीढ़ियों से ऊपर गई एंड गॉट हर हैवी शूज एंड जीन्स और उसने अपने वो भारी बरकम शूज और जीन्स पहनी शेलाई कॉल सैली हिर इज दर कर फ्रेंड ऑफ मिंटा एंड शी आज शेलाई कॉल सेली एंड आज इफ शी वॉन्ट्स टू गो उसने क्या कहा अपने बाप से क्या मैं सहेली को कॉल कर लू और उसे पूछ सकती पूछ लूं कि क्या वो जाना चाहती है शी जैल्ड वो चिल्लाई थी लीनिंग फॉर ओवर द बेनिस्ट बेनिस्ट कहते हैं बेटा ये सीढ़ियों के साथ जो जंगला सा नहीं होता जो रेलिंग सी लगी होती है दैट इज कॉल्ड बेनिस्टर लीनिंग लीनिंग मीन लपकते हुए ठीक है झुकते हुए उस रीलिंग के ऊपर झुकते हुए लपकते हुए उसने अपने बाप से ऊंची में क्या कहा कि क्या मैं अपनी दोस्त सैली से भी पूछूं कि क्या वो जाना चाहती है लेट्स जस्ट गो बाय दिस टाइम लेकिन बट हर फादर रिप्लाई डेट नो नो नीड टू आस्क हर दिस टाइम वील जस्ट गो टूगेदर अलोन ओके वी मीन्स के फादर एंड डॉटर वी शेल गो गो धे हर फादर रादर शॉर्टली हर फादर आंसर दै हर क्वेश्चन शॉर्ट मैनर उसके बाप ने बहुत ही मुख्तार अंदाज से जवाब दिया था कि नहीं मैं और तुम ही जाएंगे ही वॉज साइलेंट एज दे ड्रोव टूवर्ड द बीच वो बहुत खामोश था जब वो बीच की तरफ ड्राइव कर रहे थे जा रहे थे बट इट वॉज अ कंपेनियनेबल साइलेंस डेट मिन्ट हैम लेकिन कहता है बट इट साइलेंस लेकिन ये कहती है कि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली बहुत ज्यादा दोस्ताना वो खामोशी नहीं थी साइलेंस नहीं थी दैट मिंटा हैड कम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम जो मिंटा उससे जिसकी तवक्को करती थी यानी ये पहले भी जाते रहते थे लेकिन इसका बाप बड़ा जॉली सा बड़ा इजी गोइंग नेचर का था और वो उससे बड़ी गपशप लगाता था, था लेकिन कहती है कि इस दफा जो उसके वालिद की जो जॉन हॉले की जो साइलेंस थी कहती है वो दैट वाज नॉट एज एज सच सच फ्रेंडली इतनी दोस्ताना साइलेंस नहीं थी ठीक है यानी जिस तरह से हम एज वी यूज बीच एंड ही टू बी लाइक साइलेंट ओके कहती है ये आम जैसे साइलेंस उसकी होती थी वैसी नहीं थी देर वहां पे देर वॉज सम थिंग ग्रिम अबाउट इट अब क्या कहती है कहती है कि बहुत ज्यादा इस 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 इसमें बहुत ज्यादा कोई संजीदगी थी ठीक है कहती है उसकी खामोशगी जो है वो खामोशी है उसमें कोई संजीदगी संजीदगी थी ही इज गोइंग टू टॉक टू मी अबाउट स्कूल अब ये अपने माइंड ही माइंड में क्या कर रही है ही इज थिंकिंग समथिंग दैट वाई वाई ही इज सो सो अपसेट वाई ही इज सो काम वाई ही इज सो साइलेंट आप अपने माइंड ही माइंड में सोचती है मिंटा क्या सोचती है टोल्ड हर सेल्फ मिंटा क्या कहती है कि शायद मेरे वालद आज मुझसे स्कूल के बारे में बात करें मिंटा टोल हर सेल्फ मिंटा अपने अपने साथ ही बात नहीं करती अपने मन ही मन में अपने माइंड में ये बात सोच रही थी हीज गोइंग टू ट्राई टॉक टू मी आउट ऑफ इट अगेन वो इसके बारे में दोबारा मुझसे बात करना चाहेंगे It was funny the way her father had acted when she announced her intention of going to marry Hill this term. It was funny. Ye bada hi, hale bohoti, ya The way her father had acted when she announced her intention of going to marry this term. Jabu aam Mary Hill, that was a college from where her mother had graduated. मैरी हिल बेटा वो कॉलेज था जिससे मिंटा की माँ जिसका नाम क्या था मैरी हॉले उसने क्या किया था ग्रेजुएशन हासिल की थी कहती है आमतौर पे तो जब मैं ये बात कहती थी अनाउंस करती थी अपना इरादा जाहिर करती थी इंटेंशन किसको कहते हैं इरादे को किस चीज़ का इरादा जाहिर करती थी कहाँ पे जाने का मैरी हिल कॉलेज जाने का तो कहती है कि उसका कहती है मेरे वाले तो बड़ा फनी सा उस पर रिएक्ट करते थे बहुत ज्यादा खुशी से बात करते थे मजाक करते थे लेकिन क्या कहती है

ग्रेजुएशन की है और अब मिंटा हॉले भी उसी कॉलेज में जाएगी वहां पे इनरोल होगी वहां पे दाखला करे लेगी और वहीं से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करेगी लास्ट ईयर वाज़ डिफरेंट अब ये सारी स्टोरी हमें मिंटा बता रही है आई टोल्ड यू इन द इन द इन द कमेंसमेंट इन द स्टार्ट इन द बिगनिंग दैट शी वॉज थिंकिंग अबाउट द पास्ट मेमरीज ठीक है सो so, क्या कहती है लास्ट ईयर वॉज डिफरेंट कहती है है पिछला साल साल जो, जो जो था था ये गुजर गया है, वो थोड़ा था। और बेटा स्टे होम शी हैड इवन वॉन्टेड टू स्टे अब क्या कहती है पिछला साल कैसे मुख्तलिफ था विद मॉदर जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम दैट ऑपरेशन जब कहती है कि माँ जो है जो मैरी uh, हॉले है वो ऑपरेशन से ठीक हो रही थी इट वॉज नेचुरल दैट शी शुड एक्सपेक्ट मिंटा टू स्टे होम और ये कुदरती एक बात थी कि वो ये चाहती थी कि मिंटा घर पे रहे शी हैड इवन वॉन्टेड टू स्टे और मिंटा खुद भी ये चाहती थी कि वो अपनी माँ के साथ वक्त गुजारे माँ के साथ रहे बट ना हो लेकिन अब गोइंग टू मैरी हिल वॉज समथिंग स्पेशल लेकिन कहता है कहती है राइटर हमें ये बताती है कि अब मैरी हिल जाना के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था बहुत ज्यादा खास था शी लिव इन डोमिट्री एंड बी पार्ट ऑफ ऑल वो क्या क्या कहती है She would live, वो वहाँ पे रहेगी शेयर बिग रूम लॉट ऑफ बेड स्पेस बेड्स हॉस्टल बेड्स ओके एक हॉस्टल रूम है जिसमें बहुत से लोग शेयर करके एक ही कमरे में रहते हैं दैट इज कॉल्ड डोमेट्री हॉस्टल रूम अब वो कहां, वो कहां पे रहेगी वो डॉमेट्री में वो उस बड़े रूम में रहेगी कमरे में रहेगी एंड बी पार्ट ऑफ ऑल द ऑल द कैंपस फन और तमाम जी जो कैंपस जो में जो हल्ला गुला होगा उसका वो एक हिस्सा बनेगी इट वॉज एज एफ मैरी हिल वर प्लेयर अक्रॉस द कंट्री अब वो हमें क्या कहती है It wasn't as if Mary Hill were clear across the country, either she'd probably probably be getting home every month or so. Eclipses better. It means it's going on. And there were the Christmas, holidays, and then spring vacations. <clears throat> well, talking about the that dormitory room, that dormitory, she tells that Abu कि मैं वहां पे कैंपस में रहूंगी उस डोमेट्री में रहूंगी आ, उस रूम में रहूंगी हॉस्टल में और फिर सारे कैंपस में जो हल्ला गुल्ला होगा उसका भी मैं एक हिस्सा बनूंगी और कहती है इट वॉज एज इफ मैरी हिल क्लियर अक्रॉस द कंट्री और कहती है कि दूसरे मुल्क में था ये मैरी हिल कॉलेज इधर शिवड प्रोबेबली वॉज बी गेटिंग होम एवरी मंथ अब फिर वो ये सोचती है क्या कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि क्या मैं शिव प्रोबली शायद कि मैं हर एक महीने के बाद घर आऊं या इससे भी ज्यादा और फिर वो सोचती है कहती है कि क्रिसमस की छुट्टियां भी होंगी मैं तब भी घर आऊंगी और फिर वो सोचती है स्प्रिंग की भी होंगी मैं तब तो टे, तो भी घर यानी दिस वर ऑल द प्लानिंग्स ऑफ दैट टर्म व्हेन शी हैड टू कॉलेज मैरी रही है

एज अ फादर पार्ट द कार एंड वेंट अराउंड टू गेट द एंड पेल फ्रॉम द ट्रंक अब कहते हैं उसकी जो थोड़ी थी उसकी जो चिन्ह थी वो ऊपर उठाई हुई थी और वो ये सोच रही थी जब उसका बाप गाड़ी पार्क कर रहा था कि और अपने शॉवल यानी वो बेलचा सा एंड पेल और वो बाल्टी उस ट्रंक से उस तने से उठा के ला रहा था कि वो इतना जिद्दी तो नहीं है श्रबन कहते हैं जिद्दी को ठीक है अब वो जो सोच रही है कि मेरा बाप तो ऐसा जिद्दी नहीं था वो अपने सोचती है कि पहले तो ऐसा कभी मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया ऐसी खामोशी नहीं थी इतना जिद्दी नहीं था लेकिन फिर क्या कहती है इट वॉज लाइक हिम टू बी सो स्टबन वो तो ऐसे कभी भी जिद्दी नहीं थे वो तो बड़ी ईजी गोइंग नेचर के मालिक थे वो तो बड़े हसमुख थे वो तो बड़े जॉली थे वो तो बड़े फनी थे और क्या कहती है कि यूजली ही वॉज जॉली एंड ईजी गोइंग एंड इंक्लाइन टू लीव सच मैटर्स इंटायरली अप टू मॉदर्स मोद अब वो जी बातें सोच रही है कि वो मेरे से स्कूल के बारे में बात करेगा ऐसी वैसी बातें करेगा तो फिर जी वो ये सोचती है कि इस तरह का ज़िद्दी मेरे वाले तो पहले नहीं थे ऐसा बिल्कुल भी वो जिद्दी नहीं होते थे स्टबन नहीं होते थे ही वाज नॉट सच स्टबन ही वाज सच हार्ड ओके और बेटा क्या कहती है कि जब भी मेरे कॉलेज की बात होती इधर उधर जाने की बात होती तो ये वो बातें बड़ी हस, आ, खुश दिली से बड़े खुले दिल से मेरी माँ तक छोड़ देते थे वो डिसाइड करेगी दैट वेज टू गो एंड वेयर नॉट ओके अब क्या कहते हैं शिफॉल्ड हिम डाउन टू द बीच ये सारी बातें वो सोच रही थी किस वक्त जब वो अपने वालद के पीछे बीच की तरफ जा रही थी हूट स्क्विशिंग बेटा स्क्विशिंग इज अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग इज वेट ठीक है जब uh, इंसान के शूज वेट होते हैं या उनमें पानी चला जाता है वो एक साउंड जब आप चलते हैं तो क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड स्विचिंग साउंड स्क्विशिंग साउंड ओके अच्छा <clears throat> क्योंकि नीचे रेत भी गीली थी उसके बूट्स भी गीले थे वो एक बड़ी स्क्विशिंग सी साउंड एक दे रहे थे इन द वेट सैंड गीली रेत में द टाइड वॉज फॉर आउट एंड फर्दर अप द बीच शी कु फिगर्स बिजली डिगिंग द दॉटर्स एज अब कहती है द टाइड वॉज फॉर आउट टाइड जो लहर थी वो बड़ी फॉर बड़ी अनयूजल थी बड़ी गैर मामूली थी एंड फर्दर अप फादरअप और बहुत ज्यादा दूर भी थी द बीच समुद्र में शीकुडती थी द बैंड फिगर झुके हुए लोगों को बिजली जो मसरूफ थे डिगिंग खोदने में अलोंग दॉटर एच पानी के किनारे के साथ साथ अस्केटर्ड बीच फायर स्मोलडर ऑफ ड्रिफ्टुड को स्टडी वार्मिंग ब्लेस अब बेटा ये सारी बैकअप हम बता रही है अच्छा अस्केटर्ड बीच फायर स्केटर्ड कहते हैं बेटा बिखरी हुई ठीक है स्प्रेड आउट ठीक है कहती है कि एक बिखरी हुई बीच फायर स्मोल्डर्ड स्मोल्डर्ड कहते हैं सुलग रही थी नियर द बैंक उस समुद्र के किनारे एंड मिंटा पोक्ट इट इनटू प्लेस अब मिंटा ने क्या किया बेटा उसको जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं किसी चीज को आ, कुरेदना जैसे हम देखते हैं ना अंगार से जो होते हैं जो जर रहे होते हैं वो उसको मिंटा ने क्या किया वो अंगार से जर रहे थे उस समंदर के किनारे मिंटा इट प्लेस। मिंटा ने उनको हिला के उनको कुरेद के क्या किया एंड रिवाइव स्पलिंटर्स ऑफ ड्रिप वुड और उनको उसको दोबारा आग को जलाया किस के साथ स्प्रिंटर्स पीसेस के साथ स्मॉल कहते हैं पानी के ऊपर जो छोटे छोटे लकड़ी के तिंके आके पानी की सतह पे फ्लोटिंग कर रहे होते हैं तैर रहे होते हैं या सायले समुद्र पे पड़े होते हैं उनके साथ आग को जलाया उस वक्त तक अंडरशेट कोक्स अ स्टेडी वार्मिंग ब्लेज उसको उसी तरह एक गर्म आग में दोबारा ले आई यानी उन अंगारों को उसने तिंके डाल के दोबारा से जला दिया वैन शी सेट बैक ऑन हर हील्स टू स्माइल अप एट हर फादर जब वो वापस अपने पाओ पे बैठी अपने वा, वाल पे मुस्कुराई अपने वालत पे हंसी। बेटा, बेटा, उसे महसूस हुआ, her throat कि उसका गला constrict. Constrict कहते हैं वो uh, कुछ चीज़ तंग हो जाना सुकड़ जाना उसे ऐसा फील हुआ कि उसका गला सुखड़ लाए विदरिंग फियर स्मोदरिंग फियर बेटा सफोकेशन को कहते हैं उसको ये uh, फियर था उसको ये डर था कि उसका गला इतना खुशक हो रहा था उससे बात नहीं होती थी कि उसको घुटन हो रही है उसे ऐसा फील हुआ। बेटा उसकी आंखें देख रही थी जब वैन जब यानी कब आप क्या कहता है सडनली शी रिमेंबर्ड उसी वक्त उसे याद आया ही वॉज लुकिंग एट हर एंड ट्राइंग टू स्माइल वो अपने बाप को देख रही है और हंसने की कोशिश कर रही है बिल्कुल वैसे ही अब यहां से उसको एक और बात अपनी पास की मेमोरी याद आ गई क्या जस्ट वे ही हैड लुक्ड एट हर द टाइम ऑफ हर अपेंडिक्स बर्स्ट एंड दे वर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल कहती है जब अपने बाप को उसने देखा तो उसे ये याद आया कि उसे वो वक्स याद आया जब उसकी अपेंडिक्स जो थी वो फट गई थी और उसके वालदेन उसे हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे ठीक है और वो उस वक्त भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था अच्छा यानी उसके बाप ने जब उसको उस पर निगाह डली तो उसने देखा कि और उसके बाप ने हंसने की कोशिश की तो उसको वो वक्त याद है कि जब उसकी अपेंडिक्स जो थी वो फर्स्ट फट गई थी और उसके वालिद उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा था और उसी तरह ही वो हंसने की कोशिश कर रहा था कुड ऑलमोस्ट हियर द वेल ऑफ द एम्बुलेंस सायरन and feel the way he had held her hands tightly, trying to make it easier. Or better, she could almost hear the wail of the ambulance siren. Wo ambulance o siren ki awaz bhi usay? आ रही थी यानी वो वक्त उस तरह हंसने की कोशिश करता था उसका वालिद जब वो उसके अपेंडिक्स फटी हुई थी उसको हॉस्पिटल लेके जाते उसको की आवाज़ आ थी एंड फील द वे ही हैड हेल्ड हर हैंड्स और बिल्कुल उसी तरह तरह ही जिस तरह उसने अपने हाथों से टाइटली मजबूती से अपने वाल को पकड़ा हुआ था अपने वाल के हाथों को ट्राइंग टू तो मेक इज ईजियर उसे और ज्यादा आसानी पैदा करने के लिए हिजाइज है टोल्ड हर देन उसकी आंखों ने तब भी उसे ये बताया था एज दे टोल्ड हर नाउ अब भी उसके बाप की निगाह उसकी आंखें वही बात कह रही थी जो बात उससे वो उस मुश्किल के वक्त में कह रही थी अब बेटा थिंग्स आर इंटरलिंक्ड यानी अब इसको वो परेशानी का आलम याद आता है जब इसका वाल्द से हॉस्पिटल में लेके जा रहा था ठीक है दैट ही वाज ही वुड अ 1000 टाइम्स रादर बीयर द पेन दैट वॉच हिज सफर दैट वॉच हर सफर कहता है कि उसके हिज आईज टोल्ड हर उसके बाप ने उसकी बाप की नजरें उसको ये बात बता रही थी एज दे टोल्ड हर नाउ जैसे वो अभी बता रहे हैं सफर उसका उसको देख के जितना दर जितना दुख मिंटा को है उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा उसका बाप उसे देख के उसे दुख हो रहा है क्योंकि बेटी है यानी इसका दुख उसको फील हो रहा है कहती है मैंने अपनी बाप की नजरों को देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरा बाप उस वक्त भी मुझे देख के दर्द महसूस कर रहा था आज भी बिल्कुल वैसी ही लुक थी मेरे वालत की सो बेटा अप दिस पॉइंट इफ यू एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी इन कमेंट्स अल्लाह